डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, वेलकम अगेन इन आवर थर्ड लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट। तो बेटा, हमने लेसन कंप्लीट किया था, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द लेसन एंड द ऑथर। ऑथर लेखक, राइटर कह सकते हैं, पाठ और उसके लेखक का नाम बताओ। नेम ऑफ द लेसन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ऑथर इज लियम ऑफ फ्लेरिटी। पाठ का नाम उसकी प्रथम उड़ान है और इसके जो लेखक हैं वो लैम ऑफ फ्लेरिटी है। हम इसको भी कह सकते हैं, द लेसन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट बाई लैम ऑफ फ्लेरिटी। हम इसको यू भी कह सकते हैं, द लेसन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ऑथर इज लियम ऑफ फ्लेरिटी। तो जैसे भी आपको ठीक सूट करे वैसे इसको लिखना याद करना। तीनों तरह से बोला लिखा जा सकता है, ये पहले बताया था मैंने। नेक्स्ट, वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वो समुद्री चिड़िया डरने से क्यों डरा हुआ था उड़ने से? अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डरा हुआ। द सीगल हैड ए फियर इन हिज हार्ट। उसके हृदय में डर बैठा हुआ था। ही थॉट, वो सोचता था, दैट कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, उसको सहारा नहीं देंगे और वो गिर जाएगा। नो, ऑल द बर्ड्स आर नॉट टिमिड। ये भी क्वेश्चन का पार्ट ही है, कि क्वेश्चन में पूछा गया है, आप टेक्स्ट में देखना पाठ में, क्या सभी पक्षी डरते हैं? और इसका एक पार्ट ये भी था, क्या मानवों में भी, मनुष्यों में भी ऐसी बात होती है, ऐसा डर होता है? हाँ, तो उसका जवाब था नो, ऑल द बर्ड्स आर नॉट टिमिड। सभी पक्षी भयभीत नहीं होते, यदि मैं नहीं होते। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फ्लोन ऑलरेडी। यही बात दर्शाती है कि उसके भाई बहन पहले ही उड़कर जा चुके थे। तो ये तो कोई एक आध होता है जिसमें डर होता है। यस, इट इज ए चैलेंज ऑल्सो टू ह्यूमन बेबी। हाँ भाई, चलना सीखना, उड़ना सीखना, जैसे पक्षियों के लिए पहला काम उड़ना होता है, मानव बच्चों के लिए पहला काम चलना होता है, तो ये चैलेंज या चुनौती या कठिन काम जरूर होता है। और हम देखते हैं बच्चों को किस तरह से पहले क्राउल करते हैं, उड़ लिए चलते हैं, फिर लड़खड़ा के चलते हैं, गिरते हैं। यस, इट इज ए चैलेंज ऑल्सो टू ए वुमन बेबी। मानव बच्चे के लिए भी एक चुनौती होती है। सो बेबीज लर्न टू वॉक टाइमली। सम बेबीज था, ये छूट गया, सम बेबीज होना चाहिए, SOME, सम बेबीज लर्न टू वॉक टाइमली। कुछ समय पर चलना सीख जाते हैं, बट सम टेक सम टाइम, लेकिन कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा समय या एक्स्ट्रा समय ले लेते हैं चलना सीखने में। तो ये था आपका टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। भोजन के दृश्य ने उसको पागल कर दिया था। वट डज दिस सजेस्ट, ये बात आपको क्या सुझाव देती है या इससे आप क्या समझते हैं? यस, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। हाँ, भोजन के दृश्य, भोजन को देखकर वो पागल हो गया था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फॉर टू डेज, क्योंकि उसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, दिस, इसके अतिरिक्त, ही वॉज एलोन, वो अकेला था। दो दो समस्याएं थी, खाने को कुछ नहीं, फिर अकेला, सारे परिवार जा चुका था, तो वो बहुत ही परेशान था। हाँ, तो क्या तरीका, मतलब कैसे सीखा उसने उड़ना? तो उसका आगे जवाब है, हिज मदर स्टैंड्स बिफोर हिम विद फूड। हिज मदर स्टैंड्स बिफोर हिम विद फूड, भोजन लेकर उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो जाती है। ही जम्प्ड फॉर फूड,
ये फोर दो बार लिखा गया है, इसको एक बार ही लिखना है अपने। वो भोजन के लिए कूदा, शी रिट्रीटेड, वो पीछे हट गई। रिट्रीट पीछे हटना, लौट जाना, वो पीछे हट गई। ही फेल इन द एयर, वो हवा में गिर गया। नाउ हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्डली नेचरली, और अब स्वाभाविक रूप से उसके पंख बाहर की ओर फैल गए, अपने आप फैल गए नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। तो ये था बेटा टेक्स्ट बुक का सेकंड, और यहां थर्ड फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है मैंने। तो ये था उसका, क्यों चीख चीख के या चिल्ला चिल्ला के उसको बुला रहे हैं। व्हाई वर दे बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, तो क्वेश्चन था ये। तो व्हाई वर हिज पेरेंट्स थ्रेटनिंग एंड कैजोलिंग हिम, और क्यों उसके माता पिता उसको जो है मना रहे थे और धमकी दे रहे थे, दोनों तरह की बातें कर रहे थे, ऐसा क्यों था। तो वाई छूटा हुआ था ये, और वर भी यहां आएगा, वाई वर दे। हाँ, तो क्वेश्चन था ये, वाई वर दे बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, क्यों पुकार चीख चीख कर उसको पुकार रहे थे, बुला रहे थे। वाई वर हिज पेरेंट्स थ्रेटनिंग एंड कैजोलिंग हिम, क्यों उसको धमका रहे थे, मना रहे थे, ऐसा क्यों था। ऑल द पेरेंट्स वॉन्ट दैट दियर चिल्ड्रन शुड लर्न बेसिक एबिलिटी, सभी माता पिता वॉन्ट चाहते हैं दैट कि दियर चिल्ड्रन उनके बच्चे शुड लर्न सीखने चाहिए बेसिक एबिलिटी आधारभूत योग्यता, जीवन के लिए जो जरूरी मौलिक जो बातें हैं योग्यताएं हैं वो सीख जाएं बच्चे, सभी चाहते हैं ऐसा, सभी माँ बाप चाहते हैं। दे ट्राई दियर बेस्ट फॉर दिस, और इसके लिए वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, ट्राई बेस्ट बढ़िया से बढ़िया कोशिश करना करते हैं सभी माता पिता। इट इज नेचुरल, और ये एक स्वाभाविक बात है। फ्लाइंग इज बेसिक कैपेसिटी फॉर ए बर्ड, और उड़ना जो है एक पक्षी के लिए मूलभूत जरूरत है, मूलभूत उसकी क्षमता है, इसके बगैर पक्षी नहीं हो सकता। सो दे वर ट्राइंग टू परफेक्ट हिम इन फ्लाइंग, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे उसको उड़ान में संपूर्ण करने की, कुशल बनाने की। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये था हाउ डिड ही लर्न एट लास्ट, हाउ डिड ही लर्न फ्लाइंग एट लास्ट, कैसे उड़ना सीखा करें उसने और कैसा महसूस कर रहा था उसका फैमिली, हाउ वाज हिज फैमिली फीलिंग व्हेन ही वाज एबल टू फ्लाई, जब उड़ने के योग्य हो गया तो उसका परिवार कैसा महसूस कर रहा था। व्हेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग, जब उसने उड़ना शुरू किया, हिज पेरेंट्स वर एस्कॉर्टिंग, एस्कॉर्ट होता आगे पीछे चलना, आपने देखा होगा नेताओं की गाड़ियों के पीछे, गाड़ी के एक गाड़ी पुलिस की गाड़ी आगे होती है एक पीछे होती है, तो ये एस्कॉर्ट बोलते हैं इसको। हाँ, तो माता पिता उसको इसी तरह संरक्षण दे रहे थे, एनकोरेजिंग हिम, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका जो है ना आगे पीछे चल रहे थे, चारों ओर घूम रहे थे। व्हेन ही लैंड एट सी, व्हेन ही लैंडेड आना चाहिए ये मेरे से ही छूटे हुए लिखते, वो स्पीड में लिखे थे। जब वो जमीन समुद्र में उतरा, सी वाटर पानी पर उतरा, द होल फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, सारा परिवार बड़ा प्रसन्न था। दे सराउंडेड, उन्होंने उसको घेर लिया हिम उसको। दे ऑल वर ऑफरिंग हिम फूड, सब उसको भोजन पेश कर रहे थे। दे वर प्रेजिंग हिम, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो बेटा ये थे क्वेश्चंस, आप अच्छी तरह से कोशिश की है मैंने भी कि आप धीरे मतलब धीरे धीरे पढ़ाने की, और इसलिए कि आप इसको अच्छी तरह सुन के न समझ सको और लिख सको, तो फिर बुक में लिखना और अच्छी तरह से लर्न करना, उसी के बाद हम समझेंगे कि हमारी पोएम कंप्लीट हुई। थैंक यू।